दोस्तों आज की कहानी है बहू बेटे के साथ जाएगी। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। शुभम बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। 12वीं के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में चला गया। पढ़ाई पूरी होते ही उसे दूसरे शहर में ही एक बैंक में नौकरी मिल गई। अब उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने शुभम से पूछा कि तुझे कोई लड़की पसंद हो तो बता। इस पर शुभम ने शर्माते हुए कहा कि आप जिसे भी पसंद करेंगे मैं उस लड़की से शादी करने को तैयार हूँ। उसके माता पिता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। शुभम के मम्मी पापा शुभम के लिए ऐसी लड़की खोजने लगे जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद उन्हें मधु पसंद आ गई। मधु एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो दिखने में तो सामान्य थी पर उसका व्यवहार बहुत मधुर था। शुभम के माता पिता ने सोचा कि शुभम के साथ मधु की जोड़ी अच्छी लगेगी। उन्होंने शुभम को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने भी उसे पसंद कर लिया। सब कुछ तय हो जाने के बाद दोनों की सगाई हो गई और 6 महीने बाद शादी की तारीख तय की गई। इस बीच दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहते और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने समझने लगे। पहले वह दोनों अच्छे दोस्त बने और धीरे धीरे करीब होते होते उन दोनों में प्यार भी हो गया। सही समय पर मधु और शुभम की शादी हो गई और मधु ससुराल आ गई। शादी के लिए शुभम ने 20 दिनों की छुट्टी ली थी। कमला जी कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी। उन्होंने मधु से नमकीन सान लेने को कहा तो उसने पानी लगा हुआ बर्तन ही गरम तेल में डाल दिया जिससे तेल के सीटे उड़ने लगे। कमला जी ने उसे डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अगर काम में मन नहीं लग रहा है तो चले जाओ, मैं सब अकेले ही कर लूंगी। एक तो मधु वैसे ही उदास थी, ऊपर से सासू माँ की डांट खाकर वह आंखों में आंसू भरकर सुपसाप वहां से चली गई। अगले दिन शुभम का बैग पैक हो गया था। मधु शुभम से दूर दूर रहकर अनमने ढंग से घर के कामों में लगी हुई थी। वह उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। उसका चेहरा देखते ही उसे रोना आ रहा था। जुदाई की घड़ी नजदीक आने वाली थी। मधु का मन इतना भारी हो गया था जैसे उसे लगता था कि वह अब रो ही पड़ेगी। मधु की सास कमला जी शुभम के कमरे में आई। शुभम तैयार हो रहा था। उन्होंने मधु को आवाज लगाई और कड़क स्वर में बोली, तुमने पैकिंग अच्छे से क्यों नहीं की, अभी तक सारा सामान भी पैक नहीं हुआ है। नहीं माँ, मैंने तो सारा सामान अच्छे से रख दिया है। मधु घबराते हुए बोली, कहाँ है दिखाओ। कमला जी ने झट से पूछा। मधु ने पास पड़े बैग की तरफ इशारा किया और बोली, मैंने सब इसमें ही पैक किया है। लेकिन बेटा ये तो सिर्फ एक ही बैग है, तुम्हारा बैग कहाँ है। कमला जी ने कोमल स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। मधु हैरानी से कमला जी का चेहरा देखने लगी। अरे मुझे इस तरह क्या देख रही हो, तुम नहीं जाओगी क्या शुभम के साथ। कमला जी ने हंसते हुए कहा। शुभम ने कहा, लेकिन मम्मी इसे कुछ दिन ससुराल में तो रहना ही पड़ेगा ना। अरे ससुराल में रहना पड़ेगा मतलब बहू ससुराल में नहीं रहेगी समझे। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों को अलग करने का पाप हमसे तो नहीं होगा। तुम दोनों जहाँ भी रहो साथ रहो खुश रहो बस, और हमें क्या चाहिए। कमला जी ने प्यार से कहा। मधु और शुभम हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, मुझे सब पता है, कभी हमारी भी नई नई शादी हुई थी। चलो मधु अब फटाफट अपनी पैकिंग कर लो, कमला जी ने मधु से कहा। तभी शुभम के पापा ने कमरे में प्रवेश किया और बोले, यह लो बहू की टिकट, हमने टिकट पहले से ही बुक करवा रखी थी। मुझे पता था तुम दोनों हमारे लिहाज से कुछ नहीं बोलोगी। जब तुम हमारे बारे में इतना सोच सकते हो तो फिर हम अपने बच्चों की
खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं। शुभम और मधु दोनों ने माता पिता के पैर छुए और मधु खुश होकर अपनी सास के गले लग गई। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर खुशी खुशी मधु शुभम के साथ चली जाती हैं और दोनों प्यार से रहते हैं। और मधु अपने आप को किस्मत वाली समझती है कि उसे भगवान ने ऐसे सास ससुर दिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ।